Hello friend, today I am going to teach you English and I shall teach you use a and an. A और an का use. कब a का use किया जाता है? When we will use a and when we will use an. These are articles. There are three kind of article in English. A and the. English में कितने article होते हैं? Three. A and the. आज हम a and the ये सभी a and के बारे में पढ़ेंगे. If a, when we said use a, हम a का use कब करेंगे? If any noun word स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड, इफ एनी नाउन वर्ड एंड दिस इज एंड इफ दिस इज ए सिंगुलर नाउन, सिंगुलर होना चाहिए और इफ एनी नाउन वर्ड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड वी सेड यू जैसे इसमें जो साउंड है या स्टार्ट हो रहा है कैट कैट, इसमें हम क्या देखेंगे कि जो साउंड होना चाहिए कॉन्सोनेंट होना चाहिए क्योंकि हिंदी जो हिंदी का कॉन्सोनेंट होता है उसके अनुसार हिंदी के कॉन्सोनेंट के अनुसार ही के आधार पे ही अगर हिंदी के कॉन्सोनेंट के स्टार्ट हो रहे हैं कि कैट है This is cat. Now we said it would hear E. A cat. Why? Because cat is start with C. And it's the pronunciation क्या हो रहा है? To. To. To क्या है? What is to? To is consonant. In Hindi, to is consonant. In Hindi, to क्या होता है? Consonant होता है. To. C A cat. Unicorn. Unicorn. Here we say use a unicorn. In English, U is vowel. U is vowel. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U is that vowel. English में A-E-I-O-U vowel होते हैं. So, unicorn is start with U. What we will not see in English, we will see from Hindi. मतलब कि हिंदी के आधार पे हम देखेंगे कि ये जो वर्ड स्टार्ट हुआ ये वर्ड है यूनिफार्म यू इज अ वावे बट कॉन्सोनेंट पहले बताया कि हम देखेंगे प्रोनाउंसिएशन हिंदी जो प्रोनाउंसिएशन होता है अगर तो से अव्यय तक क्या होता है तो से अव्यय तक के कॉन्सोनेंट होता है हिंदी में तो से अव्यय तक कॉन्सोनेंट होता है तो से अव्यय तक का कोई भी अक्षर है स्टार्ट होता है ना तो वी से यूज ई मीनिंग आर यू टू वावे बट हिंदी के कॉन्सोनेंट के आधार पर क्या करेंगे ए का यूज करेंगे तो एक यूनिफार्म की तरह मैं वी सेड यूज ई ए मैं बिकॉज म इज कॉन्सोनेंट यस इज आल्सो कॉन्सोनेंट म इज कॉन्सोनेंट द We shall use A.
that B constant and dot is constant. जो इसका प्रोनाउंसिएशन है उसको देखेंगे डा, इसमें जो पहला लेटर है ड है, हिंदी में ड है, ड क्या है, ड कॉन्सोनेंट है, तो ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट कर ए का यूज करेंगे। इसी तरह टाइप का इट, इसका प्रोनाउंसिएशन का पहला लेटर क्या है, तो सो है, सो क्या है, कंसोनेंट है हिंदी में, तो कंसोनेंट का जाता है तो ए का है। मंकी मंकी वी से यूज हियर ई ई मंकी बी का more is consonant, not is consonant, so we shall use a monkey. Joker we shall use a, because first letter of joker j, j is consonant, we shall use लायन, वी से यूज ए बिकॉज फर्स्ट लेटर ऑफ लायन, फर्स्ट लेटर ऑफ लायन इज ल, ल इज वॉवेल कंसोनेंट, ल क्या है, वॉवेल कंसोनेंट है, ल है कंसोनेंट, मतलब व्यंजन हिंदी में व्यंजन करते हैं कंसोनेंट को, तो ल क्या है, व्यंजन है, कंसोनेंट है। अगर व्यंजन या कंसोनेंट से हिंदी में, अगर व्यंजन या कंसोनेंट से स्टार्ट होता है हिंदी के ट से अज्ञात तक का कोई भी लेटर हो, अगर उससे स्टार्ट होता है तो क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। आई होप ए का यूज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एंड If any word, any noun word start with vowel sound, if any noun word start with vowel sound, we shall use an, we shall use an। मतलब ये अगर कोई भी नाउन वर्ड हो और वो स्टार्ट कैसे होता है, उसकी ध्वनि क्या होती है और किससे स्टार्ट होता है, नाउन सॉरी वॉवेल से, मतलब कि स्वर, तो हिंदी का स्वर होता है उससे अगर स्टार्ट होता है तो हम एंड का यूज करते हैं। जैसे ए, ए एक होता है अंडा, ए, तो व्हाट वी यूज ए एंड, वी शैल यूज एंड बिकॉज द वर्ड ए स्टार्ट विथ ए, दिस वर्ड ए स्टार्ट विथ ए, ए दी ए क्या है, व्हाट इज ए, वॉवेल ऑफ कंसोनेंट, ए की कंसोनेंट, सॉरी ए की जो वॉवेल है वो क्या है, वॉवेल है, then if a is vowel we shall use and, what we use we shall use and, next onion, onion what we shall use, we shall use and, एंड बिका एंड ओनियन, बिका ओनियन किसे बोलते हैं, प्याज, यानी प्याज, तो वी विल सी फर्स्ट लेटर ऑफ ओनियन, वी विल सी फर्स्ट लेटर ऑफ ओनियन, ओ, व्हाट इज ओ, ओ इज वॉवेल स्वर, हिंदी में ओ स्वर होता है ना, तो ऐसे
और तक के बीच का जो अक्षर होता है स्वर का नाता है तो ओ इज वावेल स्वर वी सैल्यूट एंड ओनली as speaker we salute and if the we see here yes yes is consonant a e i o u is vowel and this yes is consonant but we use here and or yes to have kya hai consonant ka iske bawajood and ka use kyun kiya hai क्यों इसका जो प्रोनंसिएशन होता है वह ह से स्टार्ट नहीं होता है कंसोनेंट से स्टार्ट नहीं होता है वावेल से स्टार्ट होता है हम क्या करते हैं आ स्पीकर मतलब कि ये क्या किसे हो रहा है पास आ से स्टार्ट हो रहा है इसलिए व्हाट बी व्हाट वी विल यूज वी शैल यूज एंड this word has been that a is vowel a vowel hai then we shall use and so I hope you will have understood aapko samajh mein aaya hoga ki a ka use kab karenge and ka use kab karenge a ka use kab karenge when noun word start with consonant sound agar noun कोई भी नाउन वर्ड हो कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है हिंदी के क से अज्ञात जो होता है उसके बीच कोई भी लेटर से स्टार्ट होता है तो हम क्या कहेंगे ए का यूज करेंगे वो भी सिंगुलर नंबर होना चाहिए सिंगुलर है तो और अगर कोई भी नाउन वर्ड वावेल से स्टार्ट होता है यानी कि हिंदी में जो वावेल होता है क से अ तक के बीच का जो वावेल होता है उससे स्टार्ट होता है एंड है हिंदी के कंसोनेंट से स्टार्ट होता है ए का यूज करेंगे और हिंदी के वावेल से स्टार्ट होता है एंड का यूज करेंगे आई होप यू कुड हैव अंडरस्टूड आपको समझ में आया होगा ए एंड का यूज दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू